आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म का 24वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य का भाग्य प्रबल होता है, उन्नति व तरक्की के रास्ते खुलते हैं, मान यश की प्राप्ति होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि लोमश ऋषि ने पिशाच और पिशाचनी की योनि में पड़े हुए ब्राह्मण पुत्र और गंधर्व कन्याओं को देव धुति ब्राह्मण द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में गाया हुआ योग सागर नामक स्त्रोत सुनाया। ऋषि ने कहा कि जो भी मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करता है वह हर प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्त हो जाता है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी, आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देव धुति ने मुक्त किया वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि किया करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। उसने अनेक यज्ञ किए थे। वह नित्य अतिथियों की सेवा किया करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की आराधना करना उसका नित्य का नियम था। एक बार वह राजा पाखंडियों के मंदिर में पहुंच गया और वहां वेदहीन, भस्म लगाए हुए पाखंडी महात्मा बने हुओं से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से कुछ प्राप्त नहीं होता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। वह कहने लगे, जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश हो जाते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूरख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। इसलिए शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। वह कहने लगे, शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही उसे विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम कदापि नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर
जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वह वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति स्तुति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। अब वह विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और कहने लगा कि कहाँ विष्णु रहता है, किसने उसे देखा है, और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वह दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद वैदिक धर्म व्रत दान और दानियों को नहीं मानता था, अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा अब सदैव स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता था। वह गुरु और पुरोहितों के वचन को नहीं मानता था, पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव हाथी घोड़े और स्वर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था, और जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसको वध करने का दंड दिया जाएगा, ऐसी उसने नगर में घोषणा करवा दी थी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया था और दूसरे देश में चले गए थे। बचे हुए नागरिकों पर वह राजा क्रूरता से शासन करने लगा। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। वह यम दूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ यम लोक में लाया गया। इति माघ महत्तम 24वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।